हारी गोपीजनवल्लभगिरिवर घारी जय राधमाधव कुञ्जविहारी गोपीजनवल्लभगिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजनरञ्जन यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन जमुना तीर रवन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ भा गिरिवर भारी यशोदानन्दन ब्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन ब्रजजनरञ्जन यमुन थिरवनचारी जय राध माधव कुञ्जबिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुञ्जबिहारी गोपीचन वल्लभ धारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय रथ माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी मुखम करोति वाचालं पंगुम लंगते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीनतारिनम आपको इस <coughs> ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्त्पादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीपं साग्र सहगना सहगन रघुनाथ सजीव साइतम सवधूत पिजन सहित कृष्ण श्री श्रीराधा कृष्ण सहगना ललिता श्री विखान्वता हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा नमो स्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमा हरिप्रि वंच कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य पतिता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निंद श्री अद्वैता कदाधार शिव सदी गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, रामा, हरे रामा, राम हरे राम 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 हरे हरे आपके इस सत्र में आ, स्वागत है मैं थोड़ा सा रिकैप से शुरू करूंगा पूर्णावृत्ति से कि इस युग में हमारे कर्तव्य क्या था महाराज जी ने शुरू में बताया था सप्ताह के शुरू में कि हमें सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए मानसिक मनगणन बातों में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए हमें भागवतम को गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए सादा जीवन हमारे भारत में पहले लोग बहुत सादा जीवन जीते थे लेकिन भौतिकता आने के साथ ही विज्ञान के आने के हम लोग सादा जीवन छोड़ते चले जा रहे हैं तो उसे वापस हमें लेना है क्योंकि उसी में हमारी प्रगति है भौतिक भौतिक प्रकृति और और जो है आध्यात्मिक प्रगति ये दोनों प्रकृति को कैसे हमें ठीक से आगे बढ़ाना है और आध्यात्मिक प्रगति को आगे कैसे बढ़ाना है ये बताया महाराज जी ने और इस युग की दवा क्या है तो उन्होंने ये कहा तत्सुणवन सुपठन विचारनन परो ये हमें करना है हमें ध्यान से सुनना है गुरुजनों के मुख से उनका पठन सुपठन करना है और उनपे विचार करना है कि हम उसे अपने जीवन में किस तरह से लागू कर सकते हैं और फिर जो कृष्ण हृदय जो है कृष्ण के लिए है और किसी के लिए नहीं है चाहे हम जो भी काम करें हम व्यवसाय कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं हम सब भगवान को अर्पित करते हुए करेंगे और भगवान और अपने हृदय में भगवान होने चाहिए तो इसमें कई सारे कहानियां भी हम लोग ने सुनी थी कि किस तरह से जो यो सुनार था वो हमेशा सोचता रहता था अपने अपने बारे में अपने सोने व्यापार के बारे में और मरते समय भी वो उसने सोने के ही बारे में सोचा अपने व्यापार के धन के बारे में तो वो हमें छोड़ना है और हमें काम एक जगह है लेकिन हृदय जो है भगवान के ऊपर होना चाहिए और हमारे असंतोष का क्या समाधान है ये हम लोग डिससेटिस्फेक्शन हमें क्यों होता है तो हमें हम आत्मा है तो हम आत्मा पदार्थ जो है पदार्थ से खुश नहीं हो सकती है क्योंकि आत्मा जो है भौतिक से परे है और उसको उस और आत्मा हमेशा चाहती है कि हम भगवान से जुड़े रहें तभी हम खुश रह सकते हैं जिस तरह से ये लाइट है जो कि सॉकेट से ग्रे, ग्रेड से इलेक्ट्रिक लाइन जुड़ा हुआ है तो तो ही उसमें लाइट आती है तो उसी तरह से हमें भगवान से जुड़ के रहना है तभी हम खुश रहेंगे तो उस, हम बहुत अच्छी कहानी महाराज जी ने सुनाई थी यस, तुष्टे जगत तुष्टे तोشته तो उसमें एक बार जो है दुर्वासा मुनि जब ये पांडवों का अज्ञात वास था जंगल में तो वहां पे आए थे उनसे मिलने के लिए दुर्योधन ने उन्हें जानबूझ के भेजा था दुर्यो, दुर्योधन के पास सब कुछ था धन था दौलत थी राज्य था लेकिन उस उसके अंदर खुशी नहीं थी और पांडवों के पास कुछ भी नहीं था उस समय केवल जंगल में रहते थे आ, कुछ भी नहीं था उनके पास आ, तो लेकिन वो बहुत खुश थे प्रसन्न रहते थे तो ये सोचने वाली बात है कि धन होने से हमें खुशी नहीं मिलती है आ, ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर बहुत जिसके जो सबसे धनी है जिसके पास ज्यादा पैसा है वो सबसे बड़ा खुश आदमी है बल्कि हम देखते हैं कि जो राष्ट्र जो हैप्पीनेस इंडेक्स लोग ने किया है तो ऐसा देखा गया कि बांग्लादेश जो कि सबसे गरीब देश है उसमें ज्यादा खुशी है तो ऐसा क्यों है लेकिन फिर भी हम धन के पीछे बहुत इतनी भागते हैं इतने भागते हैं जैसे कि धन हमें सारी खुशी दे देगी खैर तो दुर्योधन ने जब दुर्या दुर्वासा मुनि को बहुत प्रसन्न किया और दुर्वासा मुनि खुश हो गए और बोले तुम्हें क्या चाहिए तो <laughs> दुर्योधन ने कहा कि हमारे भाई लोग हैं वो बहुत संत लोग की सेवा करना चाहते हैं तो आप उनके पास जाइए और जब वो खा पी लेंगे ना दोपहर में जाइएगा जब वो खा पी लेंगे और द्रौपदी दुर, और के पास अक्षय पात्र था जिसमें अनंत खाना प्रसाद निकल सकता था अ, लेकिन उनके खाने के बाद खाना प्रसाद नहीं निकलता था तो ए, एक दिन क्या हुआ कि उन लोग खा पी के आराम कर रहे थे तब दुर्वासा मुनि आ गए और युधिष्ठिर महाराज जी ने उनकी बहुत आदर की और उन्हें निमंत्रण दिया कि आइए आपका स्वागत है हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं बताइए महाराज जी तो उन्होंने कहा कि बस हम दस हजार शिष्य हैं और अभी हम नहा के आते हैं हमारे लिए खाना तैयार होना चाहिए तो युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के पास गए बोले की भैया ये ऐसी बात है वो दस हजार शिष्य के साथ आए हैं उनके लिए खाना तैयार कर लेना तो द्रौपदी माता ने कहा कि ये आपने क्या किया मैंने भी खाना खा लिया है अब अक्षरपात से कुछ भी नहीं निकलेगा तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा ये आपकी समस्या है आप इसको सुलझाइए तो उसके बाद द्रौपदी जो कि बहुत की थी बहुत तीव्रता से भगवान की प्रार्थना की और उस समय द्वा, भगवान द्वारका में खाना खा रहे थे रुक्मिणी देवी थी और तो अचानक खड़े हो गए तो <laughs> रुक्मिणी देवी ने कहा कि आप अचानक क्या हुआ बोले कि मेरे भक्त बहुत संकट में हैं बोले कि आपके बहुत कई भक्त हमेशा संकट में रहते हैं आप पहले खाना खा लीजिए फिर जाइएगा <laughs> महाराज जी बोलते हैं कि अगर कोई हैंडपैक्ट होता तो बैठ जाता वहीं पे लेकिन कृष्ण जो भगवान हैं वो भक्त वत्सल हैं भक, भक्तों की बहुत ध्यान रखते हैं तो तुरंत वहाँ पहुंचे, जंगल में पांडवों के पास अब ले की, माता आपके पास क्या, क्या संकट है तो पहले उन्होंने कहा कि माता मुझे खाना खिलाइए तो माता ने कहा कि यही तो प्रॉब्लम है यही तो समस्या है कि खाना ही नहीं है लेकिन ऐसा हो गया है दुर्वासा मुनि आ गए और दस हजार शिष्यों के साथ और आप तो जानते हैं दुर्वासा मुनि कितने गुस्से वाले हैं तो महाराज भगवान ने कहा कोई बात नहीं माता आप अपने अक्षय पात्र लाइए तो उन्होंने अक्षय पात्र लाए तो उसमें से एक दाना का तिनका था उसको उन्होंने चखा और खाया तो जैसे ही खाया सारे दुर्वासा मुनि के शिष्य जो कि नहा रहे थे डकार मारने लगे और उन्होंने कहा कि अब हम वहाँ वापस नहीं जाने की हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि वो गुस्सा हो जाएंगे क्योंकि हम खा नहीं पाएंगे वहां पे और इतना इंतजाम करेंगे तो पतली गली से निकल जाते हैं तो वो लोग वहीं से निकल गए तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम भगवान को खुश कर देते हैं तो हम हम खुश रहते हैं सभी को ही खुश रहते हैं जगत तुष्ट सारे जगत खुश खुशहाल हो जाता है तो इस संदर्भ में ये एक वर्ष है फोर्थ चैप्टर में नारद मुनि बता रहे हैं प्रचेतास को कि यथा तरोर मूल निशेष चेना तृप्यंती तत् भुजो पोषाख प्राणो पहारच यथेन्द्रियाणाम तथा व सर्व अच्युते अच्युतेज तो इसका शब्दार्थ है कि यथा जिस प्रकार तरो वृक्ष की मूल जड़ सींचने में तुष्टी हो, तुष्ट होता है तत् उसके स्कंद तना भुज शाखा उपशाखा टहनिया प्राण उसी तरह प्राण वायु उपाहरत भोजन करने से च तथा यथा जिस तरह इंद्रिया नाम इंद्रियों का तथा उसी तरह सर्व सभी देवताओं की अर्पण पूजा अच्युत भगवान की इच्य पूजा जिस तरह वृक्ष के जड़ की सींचने से तना शाखाएं शाखाएं तथा टहनियां पुष्ट होती हैं और जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्राणवान बनते हैं उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से भगवान के ही अंग रूप सभी देवता स्वतः तुष्ट हो जाते हैं तो ये अगर हम सबकी हित चाहते हैं तो और तो हमें भागवतम का अध्ययन करना चाहिए महाराज जी कहते हैं कि अगर आप जब आप भागवतम पढ़ते हैं तो सारा का जगत पवित्रम है वो उस पूरा जगत पवित्र हो जाता है तो इसलिए आ, हमें कृष्ण भगवान को खुश करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि अगर हम कृष्ण भगवान जड़ हैं जिस तरह से पंद्रह भगवत गीता के पंद्रहवे चैप्टर में उर्दूल उर्द मूलम अध वो वर्ष है पहला वर्ष तो जो मूल है वो भगवान है भगवान सर्व कारण कारणम है ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने कहा है तो हमें हम अगर उसको उनको खुश करेंगे और भगवान हर जगह हैं तो सबके हृदय में हैं तो वो हाँ, सबको खुशी देंगे और वो संतुष्ट रहेंगे तो सभी कोई खुश रहेंगे सेवा नहीं कर पाते हैं तो अगर हम भगवान की अच्छी तरह से सेवा करेंगे तो अपने आप वो भगवान उनका ध्यान रखेंगे तो हमारा जो व्यवसाय है हमारा जो काम है वो भक्ति करना है और भगवान जो है हमारी समस्याओं का हल करते हैं हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है चिंता और कहते हैं उसमें केवल एक अनुसर का अंतर है चिंता हमें जीते जी जलाती है और चिता मरने के बाद जलाती है तो हम जीते जी क्यों मरे हम एक ही बार मरे मरना है तो मर जाए बस हम लोग व्यर्थ की चिंता करते हैं कई बार तो ये जो है और वर्त की चिंता इसलिए होती है कि हमारी जो कृत्रिम आवश्यकताएं हैं वो उसकी वृद्धि बहुत हो गई है तो महाराज जी कहते हैं कि अगर हमारी आवश्यकता है लालसा ये सब बढ़ती रहेंगी तो हम उसे पाने की कोशिश करेंगे पाने की कोशिश करेंगे तो हम मेहनत हमें ज्यादा चिंता करनी पड़ेगी उसके लिए और उस एक बार सामान आ जाता है तो उसकी रखवाली के लिए चिंता करनी पड़ती है ये डर लगा रहता है कि कोई उसे ले ना जाए उसका भय लगा रहता है तो इसलिए ज्यादा खर्च अगर हम कम कर दें हम अपना जीवन सादा कर दें तो हमारे जीवन में तनाव कम हो जाएगा और हमें आनंद प्रदान होगा और, और जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं राम का नाम लेते हैं तो हमारे दुख कम हो जाते हैं महाराज जी कहते हैं राम का राम में आराम जोड़ दिया जाए तो आराम हो जाता है तो आराम में राम छिपा हुआ है तो हमें अगर आराम चाहिए तो राम का नाम लेना चाहिए तो मजाक में बोल रहे थे कि जो शारजा का जो मिडल ईस्ट का जो करेंसी है डेराम तो उसमें भी राम है तो अगर इसलिए उन लोग डिराम 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 करते रहते हैं तो उसमें राम का नाम उन लोग जप करते रहते हैं इसलिए उन लोग इतने धनी है तो तो इसलिए हमें भगवान का नाम लेना चाहिए और उस पर हम और चर्चा करेंगे तो ये कहानी भागवतम की शुरुआत से होती है जब महाराज परीक्षित जो हैं जब पांडव चले जाते हैं कृष्ण <clears throat> भगवान जब इस धरती को छोड़ के चले जाते हैं तो क्या होता है कि महाराज परीक्षित को राज्य सौंपते हैं तो महाराज परीक्षित जो अर्जुन के पोता थे अभिमन्यु के बेटा तो वो बहुत ही बहुत ही अच्छे भक्त थे बचपन से ही वो भगवान की भक्ति में लगे रहते थे जो जो जब वो खेलते थे तो भगवान के खिलौनों के साथ खेलते थे इतने अच्छे भक्त प्रभुपाद जी भी बचपन में रथ यात्रा करते थे और उनके पिताजी सब अरेंजमेंट करते थे और प्रसाद का बहुत वितरण भी करते थे और सब बच्चे लोग खेल खेल में रथ यात्रा करते थे तो इस तरह से जो सच्चे भक्त हैं वो शुरू से ही उनके लक्षण दिव्य होते हैं और जो हम हम मेरे जैसे जो भक्त हैं जिन्हें सौभाग्यपूर्वक भक्तों का संग मिल गया तो हमें साधना के द्वारा साधना करने का करना चाहिए ताकि हम 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 अपने आत्मा को अपने अपने को शुद्ध करें और आगे बढ़ें और भगवान के पास जा पाए क्योंकि चूंकि भगवान सबसे शुद्ध हैं हमें और हम जब तक शुद्ध नहीं करेंगे अपने आप को तो भगवान के पास नहीं पहुंच पाएंगे तो एक बार वो राज्य जो पूरे पूरे विश्व के राजा थे और पूरे राज में देखना चाहते थे कि धर्म का पालन हो रहा है कि नहीं तो एक बार वो जा रहे थे और देखे कि एक शूद्र व्यक्ति एक गाय को बहुत जोर जोर से मारने की कोशिश कर रहा था और जो गाय जो थी तीन तीन पैरों पे खड़ी थी और रो रही थी बहुत बुरी तरह से तो महाराज परीक्षित ने तुरंत उन्हें उसे मारने का दंड देने का निर्णय किया लेकिन वो जो कली था वो उनकी क्षमा याचना करने लगा तुरंत डर गया तो महाराज परीक्षित क्षत्रिय थे और जो उनके शरण में आता है क्षमा याचना करने के लिए उसे वो उस क्षमा कर देते हैं तो उन्होंने उन्हें क्षमा किया जब कली ने बहुत वेदना मतलब वेदना की तो उन्होंने क्षमा किया उन्होंने सूत, सूत कि अभ्य तस्मय तस स्थानी कल दुतम पानम स्त्रिया सुना यत्र अधर्मस चतुर्विदा तो अभ्य मीन्स जब सूद इस प्रकार से उन्होंने जब निवेदन किया तदा इस समय उनको स्थानानी, स्थानों में इन कलय कली को ददाओ अनुमति प्रदान की द्यूतम जुआ खेलना पानम मदपान स्त्रिया स्त्रियों का अवैध संबंध सु सू, सुना पशुवध यत्र जहां भी अधर्म पाप कर्म चतुर विधान चार प्रकार के तो सुद गोस्वामी जी ने कहा कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहां जुआ खेलना शराब पीना वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होते हो तो एकदम बेकार बेकार जगह उन्होंने दे दिया कि कली तुम यही इसी जगह में रह सकते हो बाकी जगह नहीं रह सकते हो और परीक्षित महाराज के राज्य में सब कोई धर्म का पालन कर देते तो वहाँ पे ऐसा कोई जगह ही नहीं था कोई ऐसा करता ही नहीं था और हालांकि कली के आने पर ये सारी चीजें बहुत बढ़ गई हैं पहले तो लोग शराब पीने से पीते हैं ये बोलने में इससे डरते थे अब तो लोग खुले आम पीते हैं और कुछ ही स्टेट है जैसे कि गुजरात स्टेट है या कुछ स्टेट है जो कि जिसमें बैन है ड्राई स्टेट है बाकी सारे स्टेट में तो शराब खुलेआम लोग पीते हैं और इस तरह की जो ये अधर्म की जो ये हैं इसे हमें इससे दूर रहना है तो महाराज जी कहते हैं इसमें हमें याद रखने वाली बात यह है वो एक स्लाइड भूल गया। तो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि हमें अपना जो जीवन का जो ये क्वालिटी है उसे हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा हमें अपने चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा और हम कैसे कर सकते हैं हम जब भगवान का जब निरंतर ध्यान रखेंगे सब काम हम भगवान को समर्पित करते हुए करेंगे और जो दिन की शुरुआत भी भगवान मंगल आरती से शुरू करेंगे तो हम जब सब भगवान, सब भगवान भगवान चीज के को अर्पित करते हुए या तो हम पढ़ें या हम जप करें या आ, आ, मंदिर में जाएं या आपके जैसे अच्छे भक्तों के साथ संग करें तो उससे क्या होगा कि सारे जो बुरी भावना है हमारे बुरे विचार हैं वो सारे दूर हो जाएंगे और द्यूतम पानम स्त्रिया शून्य सब हट जाएंगे और हमें जो है शुद्धता प्राप्त होगी तो ये हम पाश्चात्य देश में आते आए हुए हैं अभी तो, तो इसमें हम इसलिए आए क्योंकि हम यहाँ बहुत पैसा है यहाँ पे इस प्रोफेशनल ये पैसे के पीछे भागते भागते हम लोग यहाँ पहुंच गए लेकिन ये महाराज जी कहते हैं कि यहां पे लोग भूल से कहते हैं कि ये बहुत एडवांस्ड है क्योंकि यहां पे स्त्रिया और बहुत ज्यादा है तो हम वास्तविक रूप में बोलते हैं कि हम बहुत प्रगति कर रहे हैं लेकिन वास्तविक में हम पीछे जा रहे हैं हम ना जानवर की ओर हमारी जानवर से भी बदतर है तो इसलिए है, और जो हमारा जो हम मांस मांस खाते हैं तो तो वो मांस खाने वाली बात तो एक है और हम अपने जुबान से लोगों को काटते हैं हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं तो अगर हमें वो सब खत्म करना है तो हमें श्रीमद् भागवतम भागवत गीता और हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे इसका जाप निरंतर करना है सबका आदर चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कि त्रिनाभ अभी सुनिए चेना तरूर अपनी सहिष्णु ना आमनी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरी तो हमें सबका मान करते हुए सब सहिष्णु तो होते हुए और विनम्र भाव से हम भगवान के और के भाव से हमें भगवान का, का नाम लेना चाहिए अगर हम ऐसा करेंगे तो हम भगवान का नाम लेने के अधिकारी हो जाएंगे तो इस तरह से हमें अपने जीवन में विनम्र रहना चाहिए और हिंसा छोड़ देनी चाहिए और महाराज जी कहते हैं कि हमें मंगल आरती अपने जीवन में वापस लाना चाहिए कि हम हम सुबह अपना कोई निश्चित कर लें समय समय और उस समय हमें मंगल आरती करनी चाहिए तो उसके बाद क्या हुआ कि जब कली को कोई जगह नहीं मिली रहने के लिए तो उन्होंने उसने पुनः निवेदन किया महाराज परीक्षित से कि कि मुझे कुछ रहने की अब जगह नहीं है आप बताइए तो उन्होंने कहा पुनस् पुन पुन जात या, जातरूप पुनः पुनश्च याचनाय जात रूपम अदात प्रभु ततो नृणाम मदम कामम रजो वैरम च पंचकम ततो नृणाम मदम कामम रजो वैरम च पंचकम तो पुनः अगेन उसने ये कहा कि उसने कहा कि फिर पुनः मतलब फिर च भी या भिक्षुक को जात रूपम सोना अदात दिया प्रभु राजा ने तथा जिससे असत्य मदम नशा कामम विषय वासना रज रजोगुण के कारण वैरम शत्रुता तथा पंचम पांचों कली ने जब जब कुछ और याचना की तो राजा ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की जहां सोना उपलब्ध हो क्योंकि जहां जहां स्वर्ण होता है वहीं असत्य मद काम ईर्ष्या तथा वनस्य रहते हैं तो जहां सोना है जहाँ पे पैसा आ जाता है वहाँ पे ये सारे चीज़ें असत्य हम जो है असत्यता आ जाती है हम झूठ बोलने से कतराते नहीं हैं हम अपना धन छुपाना चाहते हैं हम नशा करने लगते हैं और नशा जो है ये तो फिजिकल पीते हैं हम लोग और फिर हमें बहुत गर्व हो जाता है हम अपने गर्व के नशे में झूमते रहते हैं और दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं और हमारी काम वासना का कोई अंत नहीं रहता है और ईर्ष्या हम दूसरों से करने लगते हैं दूसरों की दूसरों का सुख हमें बर्दाश्त नहीं होता है उसे उसे अगर किसी ने कोई अच्छा खरीद लिया तो हमें ईर्ष्यावश वो खरीदना जरूरी हो जाता है <coughs> और जैसे किसी ने बहुत अच्छा कार खरीद लिया तो हमें वो कार खरीदना जरूरी है तो दुश्मनी हो जाती है हम छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते हैं तो ये सारी जो है अशुभ प्रभाव पड़ने लगता है धन के कारण जिसे हमें दूर जिससे हमें दूर दूर भागना है तो धन जब आती है घर में तो तीन चीज धन धन की तीन गति होती है या तो हम उसको दान कर दें भगवान की सेवा में लगा दें जो कि सबसे उत्तम है और ये रिकमेंडेड है कि जो भी हम काम करें वो भगवान को ध्यान करते हुए करें और उससे जो भी मिलता है द्रव्य उसे भगवान को अर्पित करें तो कुछ अपने 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 लिए रखें और कुछ और आधा धन रिकमेंडेड है कि भगवान के ऊपर कर को अर्पित करें या जितना भी आप दे सकते हैं श्रद्धा पूर्वक वो भगवान के को अर्पित करते हुए करें और या तो उसको हम भोग कर सकते हैं हम या अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो चोर हर लेंगे मैं यूएस बैंक में काम करता था तो वो कहते हैं कि कई सारे जो अकाउंट हैं लोग के मर जाते हैं और पैसा रह जाता है बैंक में <laughs> तो इस तरह से सारा जो बैंक उसका कुछ कुछ करती है अपने अपने लिए या गवर्नमेंट उसे ले लेती है तो ये है कि अगर हम उसे भगवान पे नहीं लगाएंगे तो वो चली जाएगी तो महाराज जी कहते हैं कि हमारे पास ये चॉइस है कि हम या तो दुर्गा हम अपना अगर घर में भगवान का कृष्ण भगवान का अगर स्मरण करेंगे तो हमारे घर तो हम तो जो भी हम धन कमाते हैं वो आशीर्वाद के रूप में हमें मिल जाती है और ध, धन पचाने के लिए भी हमारे पास वैश्वीय दृष्टिकोण और संस्कृति होनी चाहिए अगर अगर हम विष्णु भक्त बनते हैं तो हमारा जो धन है वो लक्ष्मी बन जाती है और लक्ष्मी हमेशा हमें मदद करती है हमें आशीर्वाद देती है हमें मंदिर की ओर जाने पे मजबूर करती है लेकिन अगर आप विष्णु भक्त नहीं है तो हमारे पास दुर्गा देवी जी आ जाती है, और दुर्गा देवी जी जो है हमारे जो राक्षसी प्रवृत्ति है उसको दूर करने के लिए हमें खूब कष्ट देती हैं और, और, और हम हम हमारा हमको बहुत कष्ट होता है एक तो तीन तरह के कष्ट क्लेश होते हैं और जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो है ही तो आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ये सारा कष्ट दुर्गा देवी देती हैं ताकि हम समझ पाए कि हम हमें भक्त बनना है तो तो अगर हमें कष्ट हो रही है जीवन में तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें भगवान का ज्यादा याद करना पड़ेगा और महाराज जी कहते हैं कि आप के पास कारखाने हो सकते हैं आपके पास बिजनेस बड़ी बड़ी बिजनेस हो सकती है व्यवसाय हो सकता है आपके पास आ, आपके पास सब कुछ हो सकता है लेकिन धन के साथ साथ अपने जीवन में कृष्ण होना चाहिए और कृष्ण होते ही सब कुछ मंगलमय हो जाता है तो जो आज का विषय भी है कि आ, हमारा जो असली धन है वो कृष्ण का स्मरण है तो कर, तो जैसे महाराज जी कहते हैं कि जो जो भी चीज है हमारे पास जैसे कि हमारी फैमिली अच्छी है या हमारे हमारे पास बहुत काबलियत है हम बहुत ज्ञानी हैं या हम बहुत सुंदर हैं देखने में या जो भी है सारे जो चीज है वो सारे शून्य हैं लेकिन उसके आगे अगर हम भगवान लगा दें वन लगा दें तो उसका मूल्य बन जाता है तो हम ये सारे शून्य जो है उसका उसके आगे अगर हम वन लगा देते हैं तो उतना वो उसका मूल्य बढ़ जाता है तो जैसे ही तो कलियुग कल इसको थोड़ा सा कलयुग कलियुग जो है उसे आ, आ, सो, सोने में जगह मिली सोने के अंदर वो जो वो छोप छिप गया और ये तो हमें ध्यान देना चाहिए कि ज्यादा सोने के पीछे पड़ना नहीं चाहिए आ, हम लोग ने आजकल कर जो करेंसी मोड कर रखा है पेपर करेंसी तो उसमें हम लोग ये एक तरह का फॉल्सिटी है मतलब कि कि हम हमारे पास उतना पैसा नहीं है लेकिन हम छापते जा रहे हैं पैसा और उससे क्या होता है कि प्रभुपात जी परपट में लिखते हैं कि उससे प्रोस्टिट्यूशन बढ़ती है मतलब कि हमारे विचार शुद्ध नहीं रहते हैं क्योंकि हमारे पास उतना पैसा है नहीं लेकिन हम बन रहे हैं बहुत बढ़ चढ़ के हमारे पास उतना पैसा है तो जो करेंसी मोड होना चाहिए वो सोने का होना चाहिए ताकि हम उसे जितना पैसा है हमारे पास उसका लेन देन कर पाए तो जो कलयुग जो है वो तो सोने में छिप गया और लेकिन चूंकि महाराज परीक्षित इतने सच्चे भक्त थे इतने शक्तिशाली प्रभावशाली थे तो कलयुग का उस समय असर नहीं हुआ तो इसलिए भी महाराज कहते हैं कि अभी भी अगर हम कृष्णा अपने जीवन में डाल लें तो कलयुग हमें छू नहीं पाएगी तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है ना कि कृष्ण सूर्य समा आ, जहां कृष्ण है वहां अंधकार नहीं हो सकती है तो उसी तरह से तो जह, जहाँ सूर्य है वहां अंधकार नहीं हो सकती है तो उसी तरह से, कृष्ण कृष्ण सूर्य के समान है, तो वहां पे हमारे यहाँ माया नहीं आ सकती है तो इस तरह से ये असली धन जो है कृष्ण का स्मरण है और हम सुदामा के कहा बहुत अच्छा भागवतम में कृष्णा बुक में चैप्टर सेवेंटी उस, नाइन एट्टी एट्टी वन उसमें बहुत अच्छा वर्णन दिया हुआ है और बहुत ही अच्छा लगे आपको पढ़ के <clears throat> मुझे अच्छा लगा पढ़ के कि एक बार मतलब सुदामा अच्छा 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 जो थे वो बहुत ही गरीब थे ब्राह्मण थे बहुत अच्छे भक्त थे और, और कृष्ण भगवान और सुदामा एक ही गुरुकुल में पढ़े थे तो उनके उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी बहुत अच्छी मित्रता थी तो लेकिन ब्राह्मण होते और उस समय क्या था कृष्ण भगवान द्वारका के द्वारकाधीश थे तो सुदामा के पास बहुत ही निर्धन थे उनके पास कुछ भी पैसा नहीं था उन खाने तक पैसा नहीं था उनके बच्चे भूखे जी रहे थे रहने पहनने के लिए तो बात ही छोड़ दीजिए तो उनकी माता जी पत्नी ने कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है हम बहुत निर्धन हो गए तो आपके इतने अच्छे मित्र हैं हैं आप क्यों नहीं उनके पास जाते हैं और उनसे कुछ मांगते हैं वो आपको मदद करेंगे जो लेकिन सुदामा जो थे उनको धन से कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो भगवान के पास पैसे मांगने के लिए बिल कदाई नहीं जाना चाहते थे लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो इसी बहाने में भगवान से मिल मिल पाऊंगा क्योंकि भगवान से मिलना सबसे अच्छा शुभ कार्य है तो भगवान से मिलने के लिए वो द्वारका का द्वार गए काफी दूर चल के और भगवान कृष्ण जो थे उनको बहुत दूर से देख के उनका बहुत दौड़ते हुए स्वागत किया अपने महल में बुलाया और बहुत प्यार से सारी सेवा की रुक, ने भी काफी अच्छे से सेवा की और सभी लोग आश्चर्यचकित कि ये कौन है जो कि द्वारकाधीश उनकी इतनी सेवा कर रहे हैं तो और जो जब सुदामा जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि मैं भा... भगवान को देने के लिए क्या दूं? तो जल्दी से उनकी जो माता थी उन्होंने किसी से मांग के चार ये चावल या मूड़ी टाइप का वो उसे बांध के ले गए एज ए प्रेजेंट लेकिन जब वो इतने बड़े महल में गए इतना सब कुछ अच्छा देखा ऐश्वर्य तो उन्हें वो और भगवान को इस छोटी सी भेंट वो देने के लिए कतरा रहे थे लेकिन कृष्ण भगवान बोले कि कुछ तो तुम लाए होगे सुदामा मेरे लिए तो वो मुझे दो तो वो दे नहीं रहते बहुत ही कतरा रहते लेकिन उस समय कृष्ण भगवान ने ये कहा कि जो व्यक्ति मुझे प्यार से कुछ भी देता है वो मैं ग्रहण करता हूँ और जो व्यक्ति मुझे प्यार से नहीं देता है चाहे कितना भी दे दे मैं उसे ग्रहण नहीं करता हूँ और भगवत गीता में भी ये श्लोक है 926 में पत्रम पुष्पम फलम तो एम योमे में भक्तिया तदा हम भक्ति उपहृतम प्रयतात्मना इस श्लोक में दो बार भक्त का वर्णन है तो भक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे अंदर भगवान के प्रति प्यार होना चाहिए तो हम प्यार से जो भी भगवान को अर्पण करेंगे वो भगवान जरूर लेंगे ये बात अलग है कि शुरू शुरू में सच्चा प्रेम नहीं होता है तो इसलिए हमें रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति की फॉलो करनी है हमें भक्ति की उपासना करनी होती है हम साधना भक्त हैं तो हमें साधना करनी पड़ती है ताकि हमारे अंदर भगवान के प्रति प्यार पैदा हो क्योंकि अभी कोई प्यार नहीं है हम अपने ही इंद्रिय तृप्ति पे लगे हुए हैं तो इसे दूर इसे और भगवान के प्रति प्रेम लाना <coughs> ये अचानक आएगा नहीं तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है भक्ति योग का जिसमें हम धीरे धीरे अपना अपने इंद्रिय करते हुए भगवान की साधना करते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम सांख्यम दास्यम अ, ये सब नौ विधा नौ विधि है भक्ति के प्रहलाद महाराज जी ने कहा है तो उसे अगर हम अपने जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है श्रवणम और कीर्तनम तो अगर हम उसे करेंगे तो हम धीरे धीरे भगवान के प्रति हमारा हमारी रुचि बढ़ेगी और हमें निष्ठा जो अभी श्रद्धा के रूप में है वो निष्ठा में बदल जाएगी और वो आना जरूरी है ताकि हम ये समझ सकें कि जो भी हो रहा है जीवन में वो उसके पीछे भगवान का हाथ है चाहे वो अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो तो हम भगवान का हाथ देखेंगे हर एक चीज़ में हम किसी से गुस्सा नहीं होंगे महाराज जी कहते हैं जो गुस्सा होता है वो भगवान वो नास्तिक है क्यों क्योंकि वो मान नहीं रहा है जो हो रहा है और इसलिए उसे गुस्सा हो रहे है। वो तो इसलिए हमें मान लेना चाहिए जो हो रहा है हमारे आस पास की देन और कृपा मानते हुए करनी चाहिए और ये मानते हुए करेंगे तो हम खुश रहेंगे और वास्तव में भक्त लोग यही सोचते हैं कि जो भी हमें कष्ट अगर मिल रहा है तो वो बहुत कम मिल रहा है हमें वास्तव में और मिलना चाहिए था लेकिन चूंकि मैं थोड़ी बहुत भक्ति में हूँ इसलिए भगवान ने उसे कम करके दिया है और ये वास्तव में सही है भगवान कई बार आपने अपने जीवन में भी देखा होगा कि बचा लेते हैं कई बार हम ड्राइव कर रहे होते हैं और अचानक से थोड़ी सी मतलब गलती हो जाती है और हम बच जाते हैं किसी तरह से तो ये भगवान ही बचाते हैं कभी कई बार कई कई बार तो ये तो बा, बा, तो इस तरह से भगवान जो है हमारे अंदर में हैं हमारे अंदर में है और ये जो शरीर जो है हमारी ये एक मशीन की तरह है इसमें ड्राइवर और मालिक दोनों बैठे हुए हैं तो ईश्वर सर्वभूतान हृदय अर्जुन तिरती ब्राह्मण सर्वभूतानी यंत्रणी माया ये यंत्र के समान है और मालिक जो है और ड्राइवर दोनों उसी में जैसे दो पक्षी सम, हम लोग एक ही शरीर में है और अगर हम भगवान और जो जो खाने वाली पक्षी है वो खाने में व्यस्त है इंद्र इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त है तो लेकिन अगर वो आत्मा परमात्मा की ओर जब जाए देखेगी तब उसे सही दिशा मिलेगी और वो फिर वो अपने न, 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 वो खुश रहेगा वो भगवान भगवान की निर्देशानुसार चलेगा तो वो खुश रहेगा तो हमें ये समझना है कि हम हम जो हैं एक मानव हैं और हमें एक आ, म, हम एक मानव के शरीर में आत्मा है तो, आ, मतलब ये, ये बहुत हमारा सौभाग्य है कि हमें एक मानव शरीर मिला है हम आ, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम आ, आत्मा हैं Uh, मतलब कि uh, uh, मतलब सोल इन ह्यूमन बॉडी एंड नॉट अ बॉडी सोल तो हमें बहुत ही सौभाग्यपूर्वक ये uh, श, मानव शरीर मिला है और ये भी किराए पे मिला है ये भी हमें समझना चाहिए एक दिन एक ना एक दिन हमें यहाँ से जाना है और uh, अगर हम भगवान uh, महाराज जी कहते हैं कि जो हमें रोज हमें जाना है ये सोचना चाहिए हमें हम कभी भी जा सकते हैं तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और इस और अगर हमें पराम गति पानी है तो हमें कृष्ण का याद करेंगे हमेशा तो हम जब भी जाएंगे हम कृष्ण के पास ही पहुंचेंगे एक तो महाराज एक कहानी बता रहे थे कि एक महिला थी वो जेल में काम करती थी तो वो जेल वो सेक्शन था जहाँ पे लोग को फांसी दिया जाता है तो महाराज जी ने कहा कि तुम इतने खतरनाक मुलजिम लोग के साथ रहती हो तुम इंचार्ज हो तुम्हें डर नहीं लगता है तो उसने उस महिला ने कहा कि महाराज जी ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि जो जो मुलजिम को मरना होता है कुछ दिनों में वो इतने सभ्य हो जाते हैं कि उनसे कोई खतरा नहीं है उतने गंभीर रहते हैं तो यही यही हमारी दशा है। है कि हमें भी एक ना एक दिन मरना है युधिष्ठिर महाराज को यक्ष ने ने जवाब दिया था कि भूतानी गच्छन्ति इच्छन्ति आश्चर्य अतः परम तो सब जगह सब लोग मर रहे हैं हम हर रोज सुनते हैं लेकिन फिर भी हम ये इच्छा करते हुए जीते हैं कि हम तो नहीं मरेंगे हम तो जीते ही रहेंगे तो हमेशा अपने जो है कब्र का ध्यान रखना चाहिए अपने अंत समय का ध्यान रखते हुए हमें वो काम करना चाहिए जो कि सबसे है इस तरह से हम ध्रुव दु, दु, महाराज जी का भी कहानी सुन सकते हैं कि किस तरह से ध्रुव महाराज अपने पिता के गोदी में बैठना चाहते थे लेकिन उनकी माता ने उन्हें बहुत वचन बोले तो छत्री होने के नाते सहन उस, नहीं हुआ उन्हें तो निकल और माता जो थी उनकी सुनीति वो बहुत अच्छी माता थी तो उन्होंने कहा कि तुम जो है भगवान का ही ध्यान करो उन्होंने गुस्से में कहा है ना कि भगवान कृष्ण ही तुम्हें ये गोदी प्रदान करेंगे मारा पिता के तो तुम कृष्ण की पूजा करो तो इस संदर्भ में जो है माता जो अच्छी माता होती हैं कि उन्होंने देखिए कैसे ध्रुव को जंगल में भेज दिया एक तरह से मतलब उन्हें ऐसा कहा कि तुम चले जंगल में ही जाके उपासना करो तो कभी कभी क्या होता है कि हमें कठोर होना पड़ता है अपने बच्चों पे ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो पाए जो जिराफ जो एक जानवर है वो जैसे ही उसका बच्चा पैदा होता है उसे दुलत्ती मारती है ताकि वो दूर जाके फिर से खड़ा होने की कोशिश करें नहीं तो क्या होगा कि जंगली जानवर आके उसे खा जाएंगे तो उसे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए वो दुलत्ती मारती है जोर से से तो उसी तरह से आ, आ, अच्छी माताएं हमें अच्छा निर्देश देती हैं और ये कोई आसान काम नहीं था ये छोटा सा बच्चा लेकिन उसका दृढ़ निश्चय देखकर नारद मुनि ने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया और उन्होंने बहुत कठिन तपस्या करके बिना खाना पीना ये सब छोड़ छाड़ के उन्होंने कई कुछ ही महीनों में भगवान की प्राप्त प्राप्ति की भगवान उसे स्वयं दर्शन दिए और ध्रुव महाराज जी ने भगवान की बहुत अच्छी प्रार्थना की और और अंत समय में वो वे वैकुंठ लोग उनके उनके लिए वैकुंठ लोग के से ये प्लेन आया एरोप्लेन आया और वो गए और उस समय भी वो अपनी माता का ध्यान कर रहे थे और उन्होंने देखा कि उनकी माता भी दूसरे प्लेन में जा रही थी तो इस तरह से हम देखेंगे कि जब उन्हें भगवान के दर्शन हुए तो उन्हें उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ उन्हें आभास हुआ कि हम मैं कितने छोटे छोटी चीज के लिए इतना मेहनत कर मतलब कि मैं 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 अपने राज्य के लिए उनके, उनके मैं इतना प्रयास कर रहा था इतनी तपस्या कर रहा था लेकिन जब भगवान दिख गए भगवान के दर्शन हो गए तो उन्हें वो सारी चीज भौतिक चीज कांच के टुकड़ों के समान लगी तो तो इस तरह से हमें भक्ति करनी चाहिए परीक्षित महाराज की तरह हमें आचार्यों के की बात सुननी चाहिए अगर आप देखें तो परीक्षित महाराज जो थे राजा थे और सुखदेव गोस्वामी जो थे एक महान संत थे उन्होंने सब सब कुछ छोड़ दिया था कपड़े तक नहीं पहनते थे लेकिन महाराज जो थे वो राजा थे सब कुछ संभालते थे सब राज्य पाठ सब कुछ था तो अगर बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो दोनों एकदम अपोजिट थे विपरीत थे लेकिन अंदर से आ, जो आ, जो थे परीक्षित महाराज वो भक्त थे बचपन से ही भक्त थे तो ये हमें सोचने वाली बात है कि अंदर से हमें भक्त होना है और जो भी सुविधाएं हैं हमारे पास भौतिक वो भगवान की सेवा में लगाना है और हमें आ, आ, ये गुरु परंपरा का को पालन करते हुए उनका अनुसरण करते हुए हमें जीना है तो इससे महाराज जी अंत करते हैं कि कृष्ण नाम के हीरे मोती हैं तो ये इस, इसको करते हुए मैं अंत करूंगा तो ये बहुत अच्छा भजन है महाराज मा, जी ने गाया है कृष्ण नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली कृष्ण नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली ले लोर कोई कृष्ण के प्यारे शोर मचावे गली गली ले रे कोई कृष्ण के प्यारे शोर मचावे गली गली जिसको हम अपना कहते हैं जिसको तुम अपना कहते हो एक दिन तुम्हें भुलाएंगे, जिनको तुम गले लगाते हो अग्नि में तुम्हें जलाएंगे चमक चांदनी है दो दिन की जगत सगाई है दो दिन की आखिर मुरछाये कली कली कृष्ण नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली जिस माया के चक्कर में तुम जिस माया के चक्कर में तुम इतना फूला फिरता है अन्य जीवों को तू कुछ नहीं समझता है चमक चांदनी है दो दिन की आखिर मुरझाए कली कली कृष्ण नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली दौलत के मत वाले सुन लो दौलत के मत वाले सुन लो एक दिन ऐसा आवेगा सुंदर काया मिट्टी होगी चर्चा होगी भली बुरी कृष्ण नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय श्री कृष्ण भगवान की जय शिल प्रभुपाद की जय गुरुदेव की जय हरे कृष्ण प्रभु जी बहुत ही सुंदर लेक्चर रहा और उतनी ही सुंदर पीपीटी रही मेरा एक मिनट के लिए भी ध्यान छ से सात कब बज गए नहीं नहीं पता चला मैं मे, मेरे को छह बजे निकलना था उस प्रोग्राम फिर भी मैं पूरा लेक्चर सुनने के लिए रुक गया उतना इंटरेस्टिंग लेक्चर था और जो महाराज जी का पूरा का पूरा आपने पीपीटी बनाई है लास्ट में भजन गाया बहुत ही सुंदर लेक्चर रहा सुन के बहुत ही ज्यादा आनंद की प्राप्ति हुई धन्यवाद तो, तो, अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं तो मैं इसको मंदिर राष्ट्र स्कूल के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से मनोहर कृष्ण प्रभु जी का खूब-खूब धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर इतनी सुंदर पीपीटी के साथ इतनी सुंदर सुंदर प्रेजेंटेशन के साथ दिया okay. प्रभु जी से वापस नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी तब तक के लिए हरे कृष्ण हरे कृष्णा धन्यवाद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे